बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम मेरी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी बेटियों। बड़ों के लिए तो मैंने बहुत कुछ बना लिया है माशाल्लाह से। अब मैं छोटे बच्चों के लिए, जो मासूम हैं, हमारे घर के फूल हैं, उनके लिए मैं कुछ बनाना चाह रही हूँ, जिन्हें मीठा भी खाना पसंद होता है और नमकीन भी। जब बच्चा 6 माह का होता है तो उसे थोड़ी सी माँ के दूध के अलावा थोड़ी सी ठोस ग़िज़ा की भी ज़रूरत होती है, तो क्यों ना हम इसे घर पर बना के दें, बजाय हम डब्बा पैक कंपनियों की खूबसूरत तस्वीरें बच्चों की बनी होती हैं तो वो लेके आए, वो इतनी ताकतवर या सेहतमंद नहीं होती जो कि हम घर में खुद से तैयार करें। माँओं को चाहिए कि अपने दूध के साथ या दूसरा दूध जो भी पिला रही हैं उसके साथ जब बच्चा 6 माह का हो जाए तो उन्हें नरम ग़िज़ा से शुरू करें और 2 साल तक इन्हें नरम ग़िज़ा ही दें। रोटी उन्हें बिल्कुल भी ना दें, रोटी का लुकमा बिल्कुल भी ना पकड़ाएं, क्योंकि रोटी के अंदर, गंदम के अंदर एक तबखीर होती है जो मैदे में जाकर और अंतड़ियों में जाकर इन्फेक्शन पैदा करती है, जिससे बच्चों को मोशन वगैरह भी लगते हैं। कहते हैं जी मोशन लग गए बच्चों को, तो रोटी का टुकड़ा कभी भी ना पकड़ाएं। इसलिए चावल की खिचड़ी या नरम और सूजी की खीर, बच्चा कुदरती तौर पर उस माँ को भी नहीं पता होता कि भी ये नमकीन पसंद करता है या मीठा पसंद करता है। जब बच्चे के मुंह में कोई 6 माह के बच्चे के मुंह में कोई चीज़ डाली जाए तो वो ज़बान से बाहर उलट देता है, इसका मतलब है कि उसे मीठा पसंद नहीं है। अगर आप नमकीन चीज़ डाल रही हैं वो खा रहा है खुश हो के, फिर इसका मतलब है कि उसे नमकीन चीज़ पसंद है। तो क्यों ना हम दोनों चीज़ें बनाकर बच्चों को खिलाएं। आहिस्ता आहिस्ता अगर बच्चा नमकीन चीज़ खा रहा है तो उसे हल्का हल्का कभी कभी उसके मुँह में मीठी चीज़ भी डाल दें, ताकि उसका टेस्ट भी उसके अंदर डेवलप हो, उसे पता चले कि ये भी एक टेस्ट है। तो अगर नमकीन चीज़ खा रहा है तो मीठा दें, अगर मीठी चीज़ ज़्यादा खा रहा है तो नमकीन चीज़ दें। इत्तदाल रखें बच्चों के साथ, बच्चों की ग़िज़ा के साथ। अब शुरू करती हूँ मैं, इंशाल्लाह आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इनके लिए मुझे चावल चाहिए जो मैंने पहले भिगो दिए। चावल हमने सेला नहीं लेने, कच्ची बासमती का टोटा लेना है या हमने कच्ची बासमती लेनी है। मिकदार मैं आपको साथ के साथ बता दूंगी। मूंग की दाल, इसे भी मैंने अच्छी तरह भिगो लिया। इसके लिए सूजी चाहिए, चौक प्याज चाहिए, बादाम का पाउडर चाहिए, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें पाउडर फॉर्म में ही हमने देना है। इलायची एक मैंने रखी है, हल्दी रखी है और अदरक लहसुन की पेस्ट है, नमक है, पिसा हुआ ज़ीरा है और साबुत ज़ीरा है, चीनी है और दूध है। इन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। सबसे पहले मैं खिचड़ी की तैयारी करूँगी। इसके लिए मैंने थोड़ा सा ये ऑयल डालना है, इसके अंदर थोड़ा सा डालना है। जब बच्चा 6 माह का होता है तो उसके लिए कम ऑयल या घी इस्तेमाल करें आप, इसके अंदर बेहतर है कि देसी घी इस्तेमाल करें। इसमें मैं ये चॉप प्याज डाल दूँगी और इसे मैं फ्राई करूँ, हल्का सा ट्रांसपेरेंट करना है और इसका कच्चापन दूर करना है। इसके अंदर ये मैं अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दूंगी, आधा टीस्पून। और इसे भी हल्का सा फ्राई करूंगी इसके साथ। और इसमें ये मूंग दाल डाल दूंगी जिसका पानी मैंने निकाल दिया है। तकरीबन 2 मिनट मैं इसे फ्राई करूंगी। अब मैं इसके अंदर पानी डाल दूंगी। अगर बच्चा छोटा है, बहुत ज़्यादा 6 महीने से लेके साल तक का हो, तो उसके अंदर आप ज़ीरे का पाउडर डालें। तकरीबन ये 2 से 3 चुटकी ज़ीरे का पाउडर है। अगर बच्चा बड़ा है तो इसके लिए आप, साल से ऊपर है तो इसके, क्योंकि बच्चे के दांत भी आ जाते हैं, तो इसके लिए आप इसके अंदर साबुत ज़ीरा भी डाल सकती हैं। मगर छोटे बच्चों के लिए आप एहतियात करें कि पाउडर फॉर्म में चीज़ डालें हर चीज़। इसके अंदर 2 टेस्ट नमक चला जाएगा, आप नमक चख भी सकती हैं पानी में। इसके अंदर बराबर का होना चाहिए, क्योंकि मैं इसके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा डालूंगी। अगर हमारी मूंग की दाल 1/2 कप है तो इसके अंदर मैं 1 कप चावल डालूँगी, क्योंकि चावल की मिकदार फिर
ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हम बराबर रेशो रखेंगे तो सारी दाल ही दाल हो जाएगी, इससे अच्छी खिचड़ी नहीं पकेगी। ये उन माओं के लिए हैं जो न्यू मदर होती हैं, तो उनके लिए ये मैं रेसिपी बता रही हूँ कि ज़्यादा आपने रेशो नहीं करनी। आप एक बकत तीन हिस्सा, यानी कि एक हिस्सा आप दाल डालें और तीन से आप चावल भी डाल सकती हैं। इसके अंदर मैं चार गुना पानी डालूंगी। हम वैसे तो डेढ़ गुना या दो गुना पानी डालते हैं, तो इसके अंदर मैं चार गुना पानी डालूंगी। ये देखिए हमारा चार गुना पानी इसके अंदर चला गया। दाल चूंकि सख्त होती है, अब मैं इसे ढक के पकाऊंगी। ये देखिए इसे पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं, ये दाल आधी कच्ची पक्की हो गई होगी। ये देखिए टूटने से टूट रही है। अब मैं इसके अंदर ये चावल डाल दूंगी। अब मैं इसे कुकर के अंदर ट्रांसफ़र करके इसे प्रेशर लगाऊंगी ताकि हमारी दाल भी अच्छी सी गल जाए। टाइम कम इस्तेमाल होगा कुकर के अंदर, और जब हम बनाएंगे और दाल और चावल अच्छी तरह मैश सी हो जाएगी। मैं कुकर के अंदर ट्रांसफ़र किया है और मुझे नमक कम लग रहा है। इसके अंदर पानी ज़्यादा है तो रेशो इसकी बराबर होनी चाहिए। जब हम चखें तो हमें हल्का सा कम नमक महसूस हो, तो ये जब पकेगा तो ये अच्छा माइल्ड सा मीठा होगा, क्योंकि हमने ज़्यादा नमकीन भी नहीं करना और ज़्यादा फीका भी नहीं होना चाहिए। ये देखें हमारी खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है। जब इसका प्रेशर आ जाए, इसकी सीटी बजनी शुरू हो जाए, तो आपने इसकी आंच हल्की कर देनी है। दरमियानी आंच पे हमने इसे पकाना है। ये देखें इस तरह का होना चाहिए इसकी, छोटे बच्चों की खिचड़ी इस तरह की पतली होनी चाहिए। ये देखें दाल भी गल गई है और चावल भी गल गए हैं और पानी की रेशो भी सही रही है। इस तरह की मैशी मैशी हो। ये हमारी खिचड़ी तैयार हो गई है, इसे मैं डिश आउट करती हूँ। अब हम अगली डिश के लिए ये सूजी ली है और मैंने इसे छान कर रखा था, और इसे हल्की आंच पे मैंने ड्राई रोस्ट करना है। आप इसे ज़्यादा मिकदार में करके और एयर टाइट जार में डाल के आप फ्रिज में भी रख सकती हैं। दो चम्मच डाले साथ के साथ, जो अगली मैं दो बनाऊँगी इसी के साथ बनाऊँगी, तो आप इस तरह दोनों डिशें बना सकती हैं। आप इसके अंदर थोड़ा सा देसी घी डालें, उसके अंदर ड्राई रोस्ट करें एक हफ्ते के लिए, बस इतनी नहीं, फिर इसके अंदर स्मेल पैदा हो जाती है। घी ज़्यादा दिन पड़ा रहे तो इसके अंदर अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता, तो नहीं तो फिर आप इस तरह हल्की आँच पर इसे ड्राई रोस्ट सिर्फ करें और बाकी का काम आप बाद में कर लें। ज़्यादा सारी करके ड्राई रोस्ट रख लें और आसान भी हो जाएगा और बनाना झटपट से 5 से 6 मिनट भी नहीं लगें कि बच्चे का एक खाना तैयार हो जाएगा। अभी मैं इसे ड्राई रोस्ट ही कर रही हूँ और हल्की आंच पे करना है, इसे 3 मिनट लगेंगे। ये देखें सूजी ने कलर भी चेंज कर लिया और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, और बिल्कुल हल्की आँच पर, जितना हल्का आप इसे आँच को रख सकती हैं इतनी हल्की आँच करके, हमें झुलाना नहीं है इसे। अब मैं इसे बर्तन में निकाल लूँगी, इस बर्तन में नहीं रहने दूँगी, मैं इसे इसके अंदर निकाल दूँगी क्योंकि ये गर्म है। ये मैंने एक पैन लिया है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा देसी घी डालूँगी। जब बच्चे की उम्र 6 माह से 1 साल तक तो हो, तो उसके अंदर आप 1 टीस्पून डालें और फिर इसे बढ़ाते जाएँ आगे से आगे, क्योंकि बच्चे का, छोटे बच्चे का मैदा काफ़ी कमज़ोर होता है। और इसके अंदर मैं ये सूजी डाल दूँगी जो कि मैंने ड्राई रोस्ट की है। चूँकि देसी घी है, पका हुआ होता है, इतना कच्चा नहीं होता है ये, क्योंकि हमें, हम इसे पका कर घर में तैयार करते हैं। बस मैंने इसे हल्का सा फ्राई करना है। अगर आप ऑयल या घी दूसरा डालडा इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर हमें अलग-अलग से फ्राई करना पड़ेगा, इसलिए मैं ये देसी घी के अंदर ताकत होती है। अब सब ने मक्खन खाने शुरू कर दिए और ऑयल और घी कहते हैं ज़्यादा नुकसान है, सबसे ज़्यादा जो नुकसान देता है वो ऑयल है। अब मैं इसके अंदर साबुत ही इलायची डाल दूँगी ताकि इसको मैं निकाल सकूँ। ये मेरी आधी कटोरी सूजी की थी और इसके अंदर मैं 1.5 कटोरी ये दूध डालूँगी।
ये डेढ़ डेढ़ कटोरी मैंने नाप के रखा हुआ है। इसके अंदर डेढ़ गुना मैं दूध डाल के बनाऊंगी सूजी की खीर। 2 टेस्ट चीनी, ज़्यादा तेज़ मीठा नहीं करना, बच्चों को ज़्यादा मीठा नहीं देते, ज़्यादा तेज़ और ना हल्का होता है, ज़्यादा हल्का भी ना हो, ज़्यादा बहुत ज़्यादा मीठा भी ना हो, चख के देख लें जो आपको अच्छा लगे ज़बान पे। अब इसके अंदर ये मैं बादाम का पाउडर डालूँगी, ना के बादाम के वैसे टुकड़े डाल दें, बस हिसाब से 1 टीस्पून डालें। जब शुरू में 6 माह से 1 साल या 1.25 साल का बच्चा हो तो उसके लिए आप 1 टीस्पून फिर इस तरह बढ़ाती रहें। ये नहीं कि मेरा बच्चा जल्दी से जहीन हो जाए या एकदम से, नहीं हमने इसे देना, आहिस्ता आहिस्ता देना जो उसके मैदा और आंते बर्दाश्त कर लें, क्योंकि ये हैवी चीज़ें होती हैं, हज़म करने में देर लगाती हैं। ये देखें मुझे इसके अंदर दूध थोड़ा सा कम लग रहा है, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो उसके लिए तो सही है, मगर जब छोटा बच्चा हो तो उसके लिए मुझे ज़रा थोड़ी सी पतली खीर चाहिए सूजी की। ये देखें इतनी पतली होनी चाहिए, जब 6 माह से 1.25 साल का बच्चा हो फिर थोड़ी सी ज़्यादा गाढ़ी हो तो कोई नहीं, मगर इतनी आप 2 साल के बच्चे तक भी दे दें तो वो शौक से खा लेंगे। फिर इसके अंदर जब बच्चे दांत निकल आए बच्चों के बड़े हो जाएँ तो इसके अंदर और भी आप ड्राई फ्रूट डाल सकती हैं दरदरी पीस के। अब मैंने पाउडर फॉर्म में डाली इसके अंदर, ये हमारा दूसरा बच्चों का खाना तैयार हो गया। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। तीसरी गज़ा जो मैं बनाऊँगी अपने मासूम बच्चों के लिए, हमारे गुलशन के फूलों के लिए, इसके अंदर मैं थोड़ा सा देसी घी डालूँगी, तकरीबन 1 टीस्पून, और इसके अंदर चलेगी अदरक लहसुन की पेस्ट। इसे मैंने हल्का सा फ्राई करना है, आँच हल्की रखें, बिल्कुल दम वाली आँच पे मैंने इसे फ्राई करना है। अगर साबुत ज़ीरा, बच्चे बड़े हैं साबुत ज़ीरा डालना है तो इसी स्टेज पे डाल दें। और इसके अंदर ये सूजी चलेगी जो कि 1/3 ये प्याली है, यानी कि आधे से कम है ये। चूँकि पहली रेसिपी में मैंने बताया अगर देसी घी का इस्तेमाल करें तो उसे ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने सूजी पहले से फ्राई कर ली है। बस मैं इसे इस तरह मिक्स करूंगी, आज मेरी दम वाली आँच है, और इसके अंदर 4 गुना पानी डालूंगी। इसके अंदर तकरीबन 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, अच्छे कलर के लिए और हल्दी सेहत के लिए, आंतों के वर्म के लिए, कोई भी इंसान के अंदर अंदरूनी बीमारी हमें जो नज़र नहीं आती उसके लिए हल्दी बहुत अच्छी है, 1/4 टीस्पून या इससे कम भी कर दें आप। और नमक 2 टेस्ट, इधर आप नमक चख लें, हमें थोड़ा सा हल्का महसूस हो, तेज़ी पे ना हो, हमने चावलों वाला नहीं बनाना, हल्का सा होगा तो वो फिर माइल्ड सा नमकीन होगा। अब मैं इसे इसी तरह पकने दूँगी, सूजी ये सारा पानी सोख करेगी। हम मिर्चें नहीं, हम काली मिर्चें भी नहीं डाल रहे, लाल मिर्च कोई चीज मिर्च नहीं हमने इसके अंदर शामिल करनी, सिर्फ हल्दी। ये बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छी है, इसे देखें कितना प्यारा कुदरती कलर है, हमें कलर डालने की ज़रूरत ही नहीं है, बच्चा देख के खुश होगा। अगर बच्चा लाल पसंद करता है तो आप इसके अंदर चिकंदर का थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा कलर आ जाएगा इस सूजी का, रेड कलर का। अब मैं इसे दम वाली आँच पर ढक के पका लूँगी हल्का सा, अगर हमें पानी कम लगे तो हम इसके अंदर पानी भी और शामिल कर सकते हैं। ये देखें ये भी हमारा खाना तैयार हो गया है, छोटे बच्चों का इतना ही पतला होना चाहिए। और बनाते वक्त आपने इसका ध्यान करना है कि लहसुन कच्चा ना हो, प्याज इसे इसका लहसुन और अदरक फ्राई करते वक्त आपने अच्छी तरह फ्राई करना है, उसे बेशक थोड़ा सा पानी डाल के भी पका लें ताकि इसके अंदर से लहसुन की और अदरक की स्मेल ना आए। तो ये भी शानदार सा हमारा बच्चों का खाना तैयार हो गया, इस तरह का लिक्विड होना चाहिए जिस तरह का मैं आपको दिखा रही हूँ। इसे भी मैं डिश आउट करती हूँ। ये देखें हमारे छोटे बच्चों के लिए बेहतरीन 3 गज़ाएँ
तैयार हुई हैं। ये खिचड़ी है, देखें इस तरह की पतली पतली होनी चाहिए, ज़्यादा चावल और दाल भी नहीं नज़र आ रही इसके अंदर। और ये मैंने एक नमकीन सूजी की खीर बनाई है, जिसके अंदर मैंने अदरक और लहसुन और पानी का इस्तेमाल किया है, ज़ीरा भी डाला है इसके अंदर और हल्दी भी डाली है। हल्दी आप 1 से 2 चुटकी डालिएगा, ज़्यादा हल्दी नहीं डालनी इससे, ये तो इसके अंदर हल्दी की स्मेल होगी। नमक आप देखभाल के डालिएगा, नमक ज़्यादा नहीं हमने डालना। एक दफ़ा सूजी फूल के डबल ट्रिपल होती है, चावल भी होते हैं, 4 गुना भी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए पहले दिन आपको ज़्यादा या कम हो जाएगा इस तरह हमें हिसाब हो जाता है। कोई चम्मच या कुछ ऐसा स्पून ले लें बड़ा डोंगे वाला, जिससे एक चार डाल के और उसके अंदर चीज़ें डालें तो हिसाब इसका रेशो सही रहेगा, एक बच्चे के लिए या 2 बच्चों के लिए बना रहे हैं। तो इसी तरह मैंने ये सूजी की खीर तैयार की है। सूजी आप बेशक नमकीन बनानी हो या मीठी बनानी हो, इसे ड्राई रोस्ट या घी के अंदर, हल्के से घी के अंदर फ्राई करेंगी तो बेहतरीन सी बन जाएगी। हफ्ते के लिए बना के आप किसी एयर टाइट जार में डाल के फ्रिज में रख दें और 1-2 चम्मच निकालें और उसी टाइम आप तैयार करें। जो न्यू मदर हैं उनके लिए ख़ासकर मैंने ये बच्चों की ग़िज़ा की ये 3 आइटम तैयार किए हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि 80% लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। इस पे तो ना कोई पैसा लगता है, ना कोई इसके अंदर कोई पैकेज करना पड़ता है। इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।